हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर पावर ऑप्शन से रिलेटिव बटन्स को कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर आज आपको बना के दिखाने वाले हैं लॉन्ग ऑफ, स्विच यूजर, सेट डाउन, रीस्टार्ट, लॉक, स्लीप, रीस्टार्ट विथ बूट ऑप्शन मेनू जैसे बटन्स को हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और न्यू पे चले जाइए और यहाँ से शॉर्टकट पे ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले हम आपको लॉग ऑफ के बटन्स को बना करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए सेट डाउन SHUTDOWN, सेट डाउन स्पेस माइनस L, ठीक है, सेट डाउन स्पेस माइनस L लिखना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे लॉन्ग ऑफ लिख सकते हैं, LOG लॉन्ग, OWF ऑफ, और फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने लॉन्ग ऑफ की विंडो खुल करके बटन से बन करके रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इस पे डबल क्लिक करके अपने कंप्यूटर को लॉन्ग ऑफ कर सकते हैं, जो ठीक है। अब सेकेंड बटन बनाते हैं हम स्विच यूजर का, वो भी सेम तरीका है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे चाहिए और यहाँ पे शॉर्टकट पे ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है TS, ठीक है, यहाँ पे लिखना है TSDIS, ठीक है, TSDISCON, ठीक है, .exe लिखना है आपको, यहाँ पे टाइप करना है TSDISCON, ठीक है, .exe। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दिए स्विच यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको स्विच यूजर, WITCH, स्विच USER यूजर, फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने स्विच यूजर के बटन्स बन करके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हम सेट डाउन के बटन्स को बना लेते हैं, सेम तरीका है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे शॉर्टकट्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको सेट डाउन के बटन बनाना है तो उसके लिए जो कोड होता है वो होता है सेट डाउन SHUTDOWN, सेट डाउन स्पेस माइनस S स्पेस माइनस F, स्पेस माइनस S हम सेट डाउन करने के लिए पैरामीटर यूज करते हैं, स्पेस माइनस F हम फोर्सली कंप्यूटर को सेट डाउन करने के लिए पैरामीटर लगाते हैं, ठीक है। स्पेस माइनस T हम टाइम देने के लिए पैरामीटर को यूज करते हैं, स्पेस माइनस T का, ठीक है, 00 लगा देंगे। जितने सेकंड में अपने कंप्यूटर को आप सेट डाउन करना चाहते हैं उतना सेकंड आपको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 50 सेकंड में, 60 सेकंड में, जितने सेकंड में आपको कंप्यूटर को सेट डाउन करना है उतने सेकंड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हम 00 लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें अपने कंप्यूटर को तुरंत सेट डाउन करना है, तो यहाँ पे 00 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेट डाउन ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करके आप सेट डाउन के बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रिस्टार्ट बटन को बना सकते हैं, सेम तरीका होता है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और शॉर्टकट्स पे ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट्स बटन के लिए आपको लिखना है SHUTDOWN सेट डाउन स्पेस माइनस R लिखना है, S की जगह R लिखना है, स्पेस माइनस F लिखना है, स्पेस माइनस T, ठीक है, और स्पेस 00 लगा देना है, ठीक है, लिख देना है। अब यहाँ पे हम रिस्टार्ट करने के लिए बटन बना रहे हैं, यहाँ पे S की जगह R पैरामीटर, माइनस R पैरामीटर का यूज करेंगे, ठीक है। माइनस R पैरामीटर का यूज इसलिए हम करें क्योंकि हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कराना है, माइनस F यानी कि फोर्सली रिस्टार्ट कराना है, माइनस T यानी कि कितने सेकंड के अंदर हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए रिस्टार्ट, RESTART, रिस्टार्ट, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में रिस्टार्ट की भी बटन बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे लॉक के बटन को, तो वो भी सेम तरीका है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वही कोड को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा लेंथी है इसलिए इसे हम थोड़ा इसे कॉपी कर लेंगे। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे या तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आपको यही कोड को देख करके लिखना है ध्यान पूर्वक, अगर एक भी स्पेलिंग इधर उधर मिस्टेक होगी तो आपका जो ये लॉक की बटन है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉक, LOCK लॉक, फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर लॉक की भी बटन को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्लीप की बटन को, स्लीप के बटन को कैसे बना सकते हैं, तो सेम तरीका है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस भी कोड को हम इस यहीं से कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इसे हमने कॉपी कर लिया। राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे कंट्रोल भी या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं स्लिप, SLEEP स्लिप,
फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में स्लीप के भी बटन्स बनकर के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं रिस्टार्ट विथ बूट ऑप्शन मेनू के बटन्स को बना लेते हैं, जो कि सेम तरीका होता है, ये भी उसी तरीके से बनेगा। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे शॉर्टकट्स पे ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है सेट डाउन, यहाँ पे टाइप करना है SHUTDOWN सेट डाउन स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस ओ लिखना है, स्पेस माइनस ओ लिखना है, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस ओ, उसके बाद स्पेस माइनस लिखना है एफ स्पेस माइनस टी। ठीक है, स्पेस 00 कितने सेकंड में अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं बूट ऑप्शन बटन्स, ऑप्शन बटन लिख देते हैं। ठीक है, फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन सारी बटन्स को बना सकते हैं, लॉन्ग ऑफ स्विच यूजर सेट डाउन रिस्टार्ट लॉक स्लीप बूट ऑप्शन बटन्स को। ठीक है, इन सारी बटन्स की जो कोड है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो चाहे तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।